दरअसल जब भी आप किसी व्यक्ति या वस्तु को छूते हैं और उसके छूने से आपको करंट का अनुभव होता है तो इस स्थिति को स्थैनिक धारा के रूप में जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, वो सब कुछ एटम से मिलकर बनी हुई हैं। एटम यानी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, हालांकि उनकी संख्या बराबर होती है, लेकिन कभी कभी जब ये डिसबैलेंस हो जाते हैं या इनकी संख्या शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में शरीर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन में काफी ज्यादा हलचल पैदा होने लगती है। विज्ञान का ये नियम तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इलेक्ट्रॉन के इसी प्रवाह के कारण हमें करंट लगता है।